नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कक्षा 9वीं के इतिहास और राजनीति शास्त्र में राजनीति शास्त्र के पाठ 5 भारत तथा अन्य देश इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। सो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये है पाठ 5 भारत तथा अन्य देश, इसका स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। पहला कथन क्या दिया गया, वह देश जिसकी भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा खुली है। ऑप्शन में दिया गया है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार। इसके उत्तर में आएगा नेपाल, वह देश नेपाल है जिसकी भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा खुली है। दूसरे कथन में क्या दिया गया, भारत के साथ तनावपूर्ण संबंध रखने वाला देश कौन सा है। पाकिस्तान तथा चीन, नेपाल तथा भूटान, म्यांमार तथा मालदीव, अफगानिस्तान तथा अमेरिका। इसका उत्तर आएगा पाकिस्तान तथा चीन। भारत के साथ तनावपूर्ण संबंध रखने वाले देश जो है पाकिस्तान और चीन है। तीसरे कथन में क्या दिया गया, भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर प्रभाव डालने वाले मुद्दे कौन से हैं। इसके ऑप्शन में दिया गया दोनों राष्ट्रों के वैश्विक दृष्टिकोण में अंतर, दूसरा ऑप्शन है कश्मीर समस्या, तीसरा है परमाणु संबंधी संघर्ष और चौथा उपर्युक्त सभी समस्याएं। इसका उत्तर आएगा उपर्युक्त सभी समस्या। ये जितनी भी समस्या है सब भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर प्रभाव डालने वाले मुद्दे हैं। दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य सकारण स्पष्ट कीजिए। इसमें से पहला कथन क्या है, दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में भारत का स्थान महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में आएगा यह कथन सत्य है, क्योंकि इसका क्या कारण, पहला कारण है समानता, एक दूसरे के प्रति आदर की भावना रखना जैसे मूल्यों का अनुसरण करके ही भारत अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंध रखता है। दूसरा है दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में भारत आकार की दृष्टि से एक बड़ा देश है। तीसरा है आर्थिक तथा तकनीकी ज्ञान की दृष्टि से भी भारत अपने पड़ोसी देशों की अपेक्षा अधिक विकसित है, इसलिए दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में भारत का स्थान महत्वपूर्ण। सो दोस्तों अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, भारत चीन संबंध मित्रतापूर्ण है। इसके उत्तर में आएगा यह कथन असत्य है, क्योंकि इसका पहला कारण है भारत और चीन के बीच शुरू से ही मैकमोहन सीमा रेखा को लेकर विवाद चल रहा है। दूसरा तिब्बत के दलाई लामा द्वारा भारत में आश्रय लिए जाने के कारण चीन के साथ भारत के संबंध बिगड़े हैं। और तीसरा है चीन द्वारा पाकिस्तान को प्रक्षेपणास्त्र और परमाणु अस्त्र की प्रौद्योगिकी दिए जाने के कारण भारत की सुरक्षा को खतरा पहुंचा है। इन कारणों से भारत चीन संबंध तनावपूर्ण है। दोस्तों अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, श्रीलंका सरकार की सहायता के लिए भारत ने शांति सेना भेजी। इसके उत्तर में आएगा यह कथन सत्य है, क्योंकि इसका क्या कारण है। पहला है श्रीलंका की सरकार और वहां के तमिलों के बीच 1985 के बाद संघर्ष बढ़ने लगा। दूसरा इस संघर्ष के कारण श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई। तीसरा श्रीलंका में हिंसात्मक घटनाएं बढ़ गई, इसके कारण मित्रतापूर्ण संबंध रखने वाले भारत ने श्रीलंका में शांति स्थापित करने के कार्य में सरकार की सहायता के लिए शांति सेना भेजी। सो दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, दी गई सूचना के अनुसार कृति कीजिए, मतलब इसको भरना है। यहाँ पे क्रमांक दिया हुआ है, समझौते और लेन देन दिया गया है और यहाँ पे संबंधित देश दिया गया है, मतलब कौन कौन से समझौता हुए हैं और कौन से देश के बीच। तो यहाँ पे देखो शिमला समझौता जो हुआ है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, मैकमोहन रेखा भारत चीन में हुआ है, पानी बंटवारा तथा सीमा रेखा संबंधित समझौता भारत बांग्लादेश में हुआ है, प्राकृतिक गैस का आयात भारत म्यांमार में हुआ है, नागरिक परमाणु सहयोग समझौता जो है भारत अमेरिका में हुआ है, बुनियादी विकास परिवहन स्वास्थ्य भारत मालदीव में हुआ है, शिखर परिषद 2015 भारत अफ्रीका के बीच में हुआ है। तो जो ये रेड कलर का है वही आपको फील करना है, बट आप लोगों को इसी तरीके से याद करना पड़ेगा। सो दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, टिप्पणी लिखिए। पहला क्या है, शिमला समझौता। शिमला समझौता पे हमको टिप्पणी लिखना है। इसके उत्तर में आएगा पहला, वर्ष 1972 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ। दूसरा, संघर्ष हल के संदर्भ में
भारत का मानना था कि भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष द्विपक्षीय स्तर पर ही हल होना चाहिए, इसमें तीसरे पक्ष के लिए कोई स्थान नहीं है। तीसरा है, इसी सिद्धांत पर 1972 में दोनों देशों के बीच शिमला समझौता हुआ। और चौथा है, इस समझौते के अनुसार भारत और पाकिस्तान के पारस्परिक लेन देन के लिए एक नया प्रारूप तैयार किया गया, परंतु आगे चलकर पाकिस्तान ने इस समझौते का पालन नहीं किया। सो दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, भारत नेपाल मित्रता समझौता, इसके ऊपर भी टिप्पणी लिखना है। इसके उत्तर में पहला आएगा, वर्ष 1950 में भारत और नेपाल के बीच मित्रता समझौता हुआ। दूसरा, इस समझौते के कारण भारत और नेपाल के बीच सौहार्द का संबंध स्थापित हुआ। तीसरा है, नेपाल के नागरिकों को भारत में सहजता से प्रवेश मिलने लगा। चौथा है, नेपाल के नागरिकों को भारत में सरकारी नौकरी और उद्योग करने की अनुमति मिली। पांचवा है, इस समझौते में यह निश्चित किया गया कि नेपाल की बुनियादी सुविधाएं, खाद्यान्न, व्यापार आदि क्षेत्रों में भारत नेपाल की सहायता। सो दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। तीसरा दिया गया है, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा पर टिप्पणी लिखनी है। इसके उत्तर में आएगा, पहला, भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मैकमोहन ब्रिटिश काल में ही निश्चित की गई थी। दूसरा, चीन को यह सीमा रेखा मान्य नहीं है, इस सीमा रेखा को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद। तीसरा है, चीन के मतानुसार अक्साई चीन और मैकमोहन रेखा के दक्षिण ओर का अरुणाचल प्रदेश चीन का भू प्रदेश है। चौथा है, यह सीमा विवाद बातचीत के मार्ग से हल करने के उद्देश्य से भारत ने शुरू से ही प्रयास किया, परंतु इस सीमा विवाद को लेकर चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया। सीमा रेखा का यह विवाद आज भी बना हुआ है। सो दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। चौथा क्या दिया गया है, भारत अफगानिस्तान संबंध। इसके उत्तर में आएगा, आतंकवादी संगठन तालिबान के हिंसक गतिविधियों के कारण अफगानिस्तान में अस्थिरता है। अफगानिस्तान के साथ भारत के मित्रतापूर्ण संबंध है। भारत निम्नलिखित विषयों में अफगानिस्तान की सहायता करता है, उसमें से पहला है, हिंसा रोककर शांति, सुरक्षा और स्थिरता का निर्माण करना। दूसरा, लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने में सहायता करना। तीसरा, युद्ध के कारण नष्ट हुई परिवहन की सुविधाओं का पुनर्निर्माण करना। और चौथा है, सड़क निर्माण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना आदि क्षेत्रों में सहायता कर। सो दोस्तों, अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। उसमें से पहला प्रश्न है, भारत अमेरिका के बीच सहयोग के संबंध निर्माण होने की पार्श्वभूमि स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा, पहला, भारत और अमेरिका दोनों देशों में लोकतांत्रिक सरकारें हैं। दूसरा, नौकरी और शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका गए अनेक भारतीयों ने अमेरिका के साथ सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संबंध स्थापित किए। तीसरा, शीत युद्ध के पश्चात अमेरिका के साथ भारत का रक्षा संबंधी संबंध अधिक बढ़ गया। चौथा, आरंभ से ही अमेरिका के साथ रहा भारत का व्यापारिक संबंध भारत द्वारा आर्थिक उदारीकरण की नीति स्वीकार किए जाने के बाद अधिक मजबूत हो गया। इस प्रकार भारत अमेरिका के बीच सहयोग के संबंध बढ़ते हैं। सो दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, पड़ोसी राष्ट्र में लोकतंत्र प्रस्थापित होने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयत्नों के संबंध में उदाहरण सहित जानकारी लिखिए। इसके उत्तर में आएगा, पहला, समानता, लोकतंत्र, एक दूसरे के प्रति आदर और शांति में सहजीवन आदि मूल्यों पर भारत की विदेश नीति निर्भर है। दूसरा है, पाकिस्तान और चीन के कई बार आक्रमण और घुसपैठ करने पर भी भारत इन देशों के साथ मित्रतापूर्ण संवाद करता है। तीसरा, अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार के गठित होने में भारत ने सहायता की है। चौथा है, पाकिस्तान के वर्चस्व से मुक्त होने में भारत ने बांग्लादेश की मदद की। पांचवा है, श्रीलंका के आंतरिक संघर्ष को समाप्त करने और वहां की लोकतांत्रिक सरकार को मजबूत बनाने में भारत ने अपनी शांति सेना भेजकर श्रीलंका की मदद की। और छठवा है, नेपाल, भूटान, मालदीव जैसे राष्ट्रों की भी भारत ने अनेक प्रकार से सहायता करके वहां के लोकतंत्र को मजबूत बनाने का प्रयास किया है। सो दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, दक्षिण एशियाई प्रादेशिक सहयोग संगठन कौन से कार्य करता है। इसके उत्तर में आएगा, दक्षिण एशियाई प्रादेशिक सहयोग संगठन SAARC निम्नलिखित कार्य करता है। पहला है, दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के बीच
परस्पर आर्थिक सहयोग कराकर इसके माध्यम दक्षिण एशिया का विकास करना, दूसरा दक्षिण एशियाई राष्ट्रों से गरीबी का निर्मूलन करना और कृषि का विकास करना, तीसरा संपूर्ण दक्षिण एशिया का एक मुक्त व्यापार क्षेत्र निर्मित करना, और चौथा है दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के समान विकास के लिए दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय जैसी संस्था स्थापित कर। सो दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया है, अपना मत लिखिए, मतलब इसको हमको अपने हिसाब से लिखना है। पहला है, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए आप कौन से उपाय सुझाएंगे। इसके उत्तर में आएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए मेरे मतानुसार निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। पहला है, दोनों देशों के नागरिकों को एक दूसरे के देश में सुलभता से आने जाने का अवसर मिलना चाहिए। दूसरा, दोनों देशों के बीच शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहिए। तीसरा, आतंकवादी, उग्रवादी और हिंसा फैलाने वाले लोगों पर तुरंत प्रतिबंध लगाकर उन्हें कठोर दंड देना चाहिए। चौथा है, दोनों देशों में हिंसक और भड़काऊ भाषण देने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और पांचवा है, दोनों देशों के नेता समय समय पर एक दूसरे से मिलकर दोनों देशों के बीच मित्रता का वातावरण निर्मित करें और जनता को यह समझाएं कि हमारा जीवन हिंसा से नहीं अपितु विकास से उत्तम होगा। सो दोस्तों अब हम लोग अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, भारत के पड़ोसी राष्ट्रों से तनावपूर्ण संबंध होने से अंतर्गत विकास में रुकावट निर्माण होती है, क्या इस कथन से आप सहमत है, सकारण स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा, पहला, पड़ोसी राष्ट्रों के साथ किसी राष्ट्र का तनावपूर्ण संबंध होने से उस राष्ट्र के आंतरिक विकास में रुकावट पैदा होती ही है। दूसरा, व्यापार बाधित होता है, राष्ट्र की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती, इन बातों से मैं सहमत हूँ। तीसरा है, परंतु सभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत के तनावपूर्ण संबंध नहीं है। और चौथा है, चीन और पाकिस्तान को छोड़ दे तो शेष सभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत के मित्रतापूर्ण संबंध है। सो दोस्तों अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, क्या आपको ऐसा लगता है कि अमेरिका के साथ भारत के दृढ़ संबंध भारत के विकास के लिए पोषक सिद्ध होते हैं, सकारण स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा, पहला, अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी महासत्ता है, ऐसे देश के साथ भारत के दृढ़ संबंध होने से ये संबंध निश्चित रूप से भारत के आर्थिक विकास के लिए पोषक ही है। दूसरा, अमेरिका भारत को अनेक प्रकार की सहायता और प्रौद्योगिकी प्रदान करता है, बड़े पैमाने पर सैन्य सामग्री भी देता है। तीसरा, अमेरिका ने भारत के साथ परमाणु समझौता भी किया है। और चौथा है, भारत के अनेक युवा नौकरी और शिक्षा के लिए अमेरिका जाते हैं। कुल मिलाकर देखें तो मुझे लगता है कि अमेरिका और भारत के बीच के दृढ़ संबंध भारत के आर्थिक विकास के लिए पोषक सिद्ध हो। तो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे पार्ट 5 भारत तथा अन्य देश का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, ताकि इसमें और भी ज्यादा सुधार किया जा सके। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर मिल सके। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।